नाउ वन पॉइंट फोर सेट थियोरी क्लास अलेवेंथ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट यूनियन यूनियन ऑफ सेट नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का सिंबल ये है उल्टा यू ठीक है ऐसे लिखते हैं ये वाला सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन का सिंबल है ये यू को उल्टा कर दो ऐसे ठीक है दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन में करते क्या हैं जो दोनों में कॉमन हो कॉमन एलिमेंट लिखने हैं जैसे यूनियन में हम कंबाइन करते हैं कम्बाइंड करके लिखते हैं ना सारे एलिमेंट्स को ए यूनियन बी निकालते हो तो ए और बी को कंबाइन कर देते हो आप और जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखते हो वो यूनियन में इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे ठीक है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ठीक है तो देखो एग्जाम्पल है ए इज गिवन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन बी इज गिवन सेवन नाइन इलेवन थर्टीन C is given eleven thirteen fifteen. D is given fifteen seventeen. So first you have to find A intersection B. A intersection B में देखो A और B में common क्या है सेवन इसमें भी है seven इसमें भी है nine इसमें है nine इसमें भी है eleven eleven seven nine eleven common है तो seven nine eleven लिख दिया B intersection C में B और C में common देखो क्या है B और C में common क्या दिख रहा है तुम्हें बी और सी में एलेवन और थर्टीन है यहाँ भी एलेवन थर्टीन है तो बी और सी में एवन थर्टीन आ गया ए इंटरसेक्शन सी में ए और सी में कॉमन देखो ए में इलेवन है और सी में एवन है और कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ एलेवन आ गया बी इंटरसेक्शन डी में देखो बी और डी में अब बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है सेवन नाइन एलेवन थर्टीन है या फिफ्टीन सेवनटीन है तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाइ लिखते हैं जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखते हैं फाई ऐसे ठीक है फाइ लिखा जाएगा ये फाई का सिंबल है जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या लिखना है फाइ समझ में आ रहा है जहाँ कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उसको तो क्या लिखते हैं फाइ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीन वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कॉमन देखना है आपको तो तीनों में कॉमन तो ग्यारह है ठीक है तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या है ए में भी एलेवन है बी में भी एलेवन है और सी में भी इलेवन है तीनों में होना चाहिए वो ठीक है जब आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हो तो तीनों में देखना है ऐसा नहीं है कि दो में है और एक में नहीं है ठीक है तो इलेवन आएगा इसमें इसमें क्या आ रहा है इलेवन ठीक है क्लियर है नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ए सी डी में ए सी डी में कुछ भी कॉमन नहीं है ठीक है आप देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में क्या लिखा जाएगा फाइ ठीक है तो इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं इंटरसेक्शन को सेट बिल्डर में ऐसे लिखा जाता है एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड और का मतलब यूनियन होता है और का मतलब यूनियन ठीक है और एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन ये ध्यान रखना ये वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा एंड हो या बोथ हो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन ठीक है एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी तो इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है कॉमन एलिमेंट लेने हैं कॉमन एलिमेंट इसका वैन डाइग्राम कैसे बनेगा वैन डायग्राम जैसे ऐसे बनता है जैसे ऊपर दिखाया हुआ बीच वाला कॉमन पार्ट जो है ऐसे एक रेक्टेंगल बना लो ऐसे रेक्टेंगल बनाया ठीक है ये रेक्टेंगल बना लिया ये यूनिवर्सल सेट है एक सेट बनाया ए दूसरा बी ओवरलैप करके ये जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों में कॉमन है ठीक है ये बीच वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी ठीक है ये ए है और ये क्या है बी क्लियर है तो बीच वाला पार्ट जैसे मैंने ऊपर वाले फिगर में शो किया हुआ ए इंटरसेक्शन बी है नाउ डिफरेंस ऑफ सेट है डिफरेंस ऑफ सेट में जैसे ए माइनस बी निकालना है आपको और बी माइनस ए ए माइनस बी का मतलब होता है सेट जो जिस जो ए में तो है लेकिन बी में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एलिमेंट ए में है बट बी में नहीं होना चाहिए इसमें बट नॉट आ जाएगा ठीक है जो ए में है लेकिन बी में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो देखो ये गिवन है ए बी सी डी चार सेट गिवन है ए माइनस बी निकालना है तो जो ए में है लेकिन वो बी में नहीं होना चाहिए ए में थ्री है बी में थ्री नहीं है तो थ्री आ गया ए में सिक्स है बी में सिक्स नहीं है तो सिक्स आ गया जो ए में होना चाहिए लेकिन बी में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए नौ है नाइन इसमें नहीं आ गया ट्वेल्व और ट्वेल्व है ट्वेल्व और ट्वेल्व माइनस हो जाएंगे ट्वेल्व नहीं लिखा जाएगा फिफ्टीन है इसमें फिफ्टीन आ गया इसमें नहीं है ना एटीन और ट्वेंटी वन ये सारा आ जाएगा जो ए में तो है लेकिन वो बी में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए माइनस बी का मतलब होता है जो ए में है वो बी में नहीं होना चाहिए और बी माइनस ए का मतलब जो बी में है वो ए में नहीं होना चाहिए ठीक है अब ए माइनस सी बोला हुआ है तो ए माइनस सी देखो कैसे निकालेंगे जो ए में है वो सी में नहीं होना चाहिए थ्री है इसमें नहीं है थ्री आ गया नाइन है इसमें इसमें नहीं है सी में तो नाइन आ गया फिफ्टीन है इसमें इसमें नहीं है फ़िफ्टीन आ गया एटीन और ट्वेंटी वन ए माइनस डी का मतलब जो ए में है लेकिन वो डी में नहीं होना चाहिए ऐसा एलिमेंट जो ए में हो लेकिन वो डी में ना हो तो ए में देखो ए में थ्री सिक्स नाइन है इसमें नहीं है डी के अंदर फिफ्टीन है इसमें तो फिफ्टीन नहीं लिखना है एटीन और ट्वेंटी वन ही आ गया बी माइनस ए निकालना है तो बी माइनस ए में क्या होगा जो बी में है लेकिन वो ए में नहीं होगा तो बी में फोर है इसमें फोर नहीं है लिख दिया बी में एट है इसमें नहीं है लिख दिया ट्वेल्व तो माइनस ही हो जाएगा सिक्सटीन है इसमें इसमें नहीं है सिक्सटीन ट्वेंटी तो जो बी माइनस ए का मतलब जो बी में है लेकिन वो ए में नहीं होना चाहिए ठीक है अब इसका वैन डायग्राम देखो कैसे बनता है वैन डायग्राम ये है ए माइनस बी का मतलब ए वाला पार्ट सिर्फ ए वाला पार्ट जो ए में है लेकिन वो बी में नहीं होना चाहिए तो ए वाला पार्ट सिर्फ शेड होगा बी माइनस ए का मतलब सिर्फ बी वाला इधर वाला कॉमन भी नहीं लेना है सिर्फ साइड साइड का कॉमन वाला हिस्सा भी नहीं आएगा जो बी में है लेकिन वो ए में नहीं होना चाहिए ठीक है ये इवेंट डायग्राम है इसका सिर्फ इधर वाला पार्ट ए वाला पार्ट ठीक है अब आता है डिसजॉइंट सेट डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं दो सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है डिसजॉइंट ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स उनको क्या बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स सेट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट जैसे एग्जाम्पल ये है सेवन नाइन एलेवन थर्टीन डी है फिफ्टीन सेवनटीन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बी इंटरसेक्शन सेक्शन डी फाइ आ रहा है तो ए इफ ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ए और बी क्या होगा डिसजॉइंट सेट फाई का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है एम टी सेट ठीक है इसकी कंडीशन ये होती है ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी अगर फाइ है तो ए और बी आर डिसजॉइंट सेट तो डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो जहां पे कुछ भी कॉमन ना हो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स समझ में आ रहा है तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज डिसजॉइंट सेट डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट कुछ भी कॉमन ना हो ए इंटरसेक्शन बी फाइव आएगा उसमें ठीक है नाउ नेक्स्ट देखो ए माइनस बी को हम सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर में ऐसे लिखा जाता है एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू ए बट इसमें बट आ जाएगा बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी जो ए में है बट बी में वो नहीं है एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू ए बट इसमें बट आएगा और यूनियन में और आता है इंटरसेक्शन में एंड आता है और माइनस में बट आएगा एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी ऐसे लिखे जाएंगे एक्स बी माइनस ए को कैसे लिखोगे एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए ठीक है क्लियर है तो बट आ जाएगा इसके अंदर अब इसमें वेन डायग्राम आता है ए माइनस बी का तो ए माइनस बी का ऐसे बनता है देखो एक रेक्टेंगल बनाया ये रेक्टेंगल बन गया यूनिवर्सल सेट है ये एक सर्कल दूसरा सर्कल ए और बी है ठीक है ए और बी ए माइनस बी इधर ए वाला पार्ट ये ए माइनस बी b माइनस ए कैसे बनेगा एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया यूनिवर्सल सेट ये यू है एक सर्कल दूसरा सर्कल ए और बी है तो बी माइनस ए इधर बी में जो है जो बी में है लेकिन वो ए में ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा बी सिर्फ बी वाला ये बी माइनस ए का हो गया ठीक है ये बी माइनस ए का और ए माइनस बी का ये वाला हिस्सा हो जाएगा इधर वाला ये वाला पार्ट सिर्फ ये ए माइनस बी का है ठीक है ए माइनस बी का तो इसमें देखो इस वाले वन पॉइंट फोर में आपको यूनियन इंटरसेक्शन ए माइनस बी बी माइनस ए और डिसजॉइंट है यही है वन पॉइंट फोर के अंदर ठीक है ये चार टॉपिक है सो कम्प्लीट दी एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर आफ्टर सींग दिस वीडियो ठीक है इसमें बेसिकली आपको ए माइनस बी बी माइनस ए ये सब आता है पेपर में जर्नली टू मार्क्स में सो so, इस वीडियो में इतना ही है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड वर्ड प्रॉब्लम ठीक है इसमें इतना ही है थैंक यू वेरी